नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दीवानी में आयोजित किए गए मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान सम्मेलन की ओर। दीवानी सिविल कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान सम्मेलन का बेहद भव्य और आकर्षक रूप देखने को मिला। करीब आधा दर्जन से अधिक गैर जनपदों के अधिवक्ता भी यहाँ पहुँचे थे। किस तरीके का कार्यक्रम रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दीवानी परिसर की तस्वीरें हैं। बता दें कि जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता के बाद लगातार अधिवक्ताओं का आक्रोश जारी है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर हड़ताल तो खत्म कर दी गई, लेकिन अधिवक्ताओं का आक्रोश अभी भी बना हुआ है और तमाम तरीके के आयोजन भी अधिवक्ताओं की ओर से किए जा रहे हैं। यह आयोजन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव और सचिव संतोष यादव के नेतृत्व में दीवानी परिसर में पहली बार मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अधिवक्ताओं के सम्मान को लेकर इस विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के सम्मान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में इटावा, फिरोजाबाद, टूंडला, आगरा, पटियाली, एटा समेत तमाम गैर जनपदों के अधिवक्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित के साथ हुई थी, जिसके बाद यहां एक से बेहतर एक अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन दिए और प्रत्येक अधिवक्ता ने सिर्फ अधिवक्ताओं के मान सम्मान को बरकरार रखने पर जोर दिया है और लगातार जो अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर भी जोर दिया है। दीवानी परिसर में आयोजित हुए मध्यांचल अधिवक्ता स्वाभिमान सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली थी।